नमस्कार, प्रणाम। हाय, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए आप लोग, पहले फटाफट सब आ जाइए। हाँ, सब लोग तो आ ही गए, अब और कितने लोग आएंगे? आएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो डायरेक्टर जी को बुला लीजिए, हमारे जो बंटी शेख जी हैं। अच्छा, उसका बंटी का पूरा नाम पहले आप बताइए, तब बुलाएंगे। इश्तियाक शेख बंटी। क्या यही तो नाम है? इश्तियाक शेख। इश्तियाक शेख बंटी। ठीक है, बंटी बंटी, इसीलिए बंटी बोलता हूँ मैं। बंटी भाई आ जाओ, जुड़ जाओ आप भी। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हमारे प्रोड्यूसर लोकेश जी भी हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? नरेश कुमार यादव जी कहाँ हैं? मैं तो लखनऊ में हूँ भैया। गोलू राज जी, रितु राज सिंह, नमस्ते। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग लाइव आए हैं तो आज ऋचा दीक्षित जी का बर्थडे है, तो उनको पहले हम विश कर देते हैं। विशिंग यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ऋचा। दिनेश जी, मेरी लाइट लाइट ओके। ऋचा जी, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आप तो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। जीवन में ऐसे ही आप खूब तरक्की करें, खूब अच्छा काम करें और लोगों का दिल जीतें, ये हमारी शुभकामना है आपके लिए। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका जो शो आ रहा है वो भी खूब शानदार चल रहा है, तो ऐसे ही आप लगातार तरक्की करते रहिए, यही आपके लिए शुभकामना है। बथुआ दीवाना, वाह, बथुआ साग सुना था, ये बथुआ दीवाना भी आ गए। विजय प्रताप जी हैं, विशाल यादव, पवन मिश, हेलो आम्रपाली मैम, आपको बुला रहे हैं। हाय, हेलो हेलो, सॉरी मैं एक्चुअली सब लोगों को कॉल कर रही हूँ। क्यों? जिनको जिनको आना है लाइव पे। बंटी डर रहे हैं, बंटी बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं उनको आना ही पड़ेगा। हम बोले 15 मिनट में आता हूँ, क्योंकि okay. ड्राइव कर रहा है, ऑन द वे है। शिवा भैया बोल रहे हैं, का हो नहीं रहू। हाँ भैया, का अलवा। धीरज ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर। हाय, हेलो धीरज जी। और हमारे मोहम्मद, पढ़ने में निकल गया नाम, रवि रजक, प्रवीण कुमार भी है, शिबू सिंह भी हाँ। है, और निकिता कुमारी, इजी नाम था इसलिए हम दोनों फटाक से ले लिए। हाँ, आज ही मैं एक वो अयाज भाई के साथ रील बना रहा था। हाँ हाँ, अयाज भाई बोले कि आप में ना भाई बहुत एटीट्यूड है। मैं बोला एटीट्यूड का स्पेलिंग? बोला नहीं नहीं ईगो है, ईगो। रील। योगेंद्र जी, हेलो 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 गाइस। तो अब हम लोग पहले तो ये बात पूछना चाहते हैं आप सबसे कि क्या आप लोगों ने ट्रेलर अभी तक देखा है, और अगर देखा है तो आप लोगों को दूल्हा हिंदुस्तानी का ट्रेलर कैसा लगा, प्लीज कमेंट्स में बताइए। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों से, बहनों से, दर्शकों से पूछूं, उसके पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आम्रपाली जी, आपको कैसा लगा हिंदुस्तानी का ट्रेलर, दूल्हा हिंदुस्तानी का ट्रेलर? मुझे, मैंने आज सवेरे से अभी तक मिनिमम 35 से 40 बार ट्रेलर देखा है। और मैं बता सकता हूँ कि क्यों इतनी बार देखा आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, ये कहानी तो बहुत, उसमें आप बहुत पतली थी। थी मत बोलो। उसमें ये इतनी पतली हैं, इतनी पतली हैं कि देख देख के खुश हो रही हैं। तो मैं बोला इतनी बार क्या देख रही हो आप? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तो आम्रपाली जी को पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। अब मधु जी जब जुड़ेंगे तो उनसे भी पूछेंगे उनको कैसा लगा। वो शॉर्ट में है अभी, एक्चुअली उनकी शूट चल रही है, मेरी बात हुई थी। ओके, तो वो जब शॉर्ट से फ्री हो जाएंगी तो करेंगी कॉल। शूटिंग कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा तो YouTube पे रंगीला इंटरटेन चैनल, इंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल है, और यशी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल, यशी फिल्म पे भी है। तो ये ट्रेलर आ गया है, आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा।
और क्योंकि जब कोई ट्रेलर देख के हम लोगों को मजा आता है तो हमको लगता है हाँ अब सबको मजा आने वाला है, जब हमको ही अच्छा नहीं लगेगा तो बाकी लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो देख के बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, और फिल्म जब आएगी तब तो आपका दिल जीत ही लेगी मैं जानता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी है और इतनी अच्छी फिल्म है। और उसमें एक तो दुखद बात हुई कि उसके जो डायरेक्टर हैं हमारे स्वर्गीय असलम शेख जी, वो हमारे बीच नहीं रहे, फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। तो उनकी आखिरी फिल्म थी हम लोगों के साथ में, और उसके अलावा एक हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे धनंजय धनंजय मिश्रा मिश्रा जी, उन्होंने इस फिल्म के गाने बनाए थे, तो वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। तो दोनों लोगों को याद तो हम लोग लगभग रोज ही करते हैं कि जब भी हम कोई बात होती है फिल्मों की बात होती है गाने की तो याद तो करते हैं, पर अब जब ये ट्रेलर देखा तो एक बार फिर से बहुत मिस कर रहे हैं हम दोनों को, असलम सर को भी और धनंजय भैया को भी। क्या दोनों ही अपनी फील्ड में इतने इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग। वी एक्चुअली लॉस्ट टू जेम ऑफ पीपल ऑफ आर इंडस्ट्री। बहुत टैलेंटेड, बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हमने लूज़ किया, खोया और मैं हमेशा भगवान से यही मनाती हूँ कि उन दोनों की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको अपने एकदम नज़दीक जगह दे। तो असलम सर का तो एक और भी मुझे याद है कि उनके साथ मैं फिल्म कर रहा था परिवार, तो उन्होंने जब मुझे डबल रोल करने के लिए कहा तो मैं बोला कि नहीं सर, ये डबल रोल मेरे से नहीं होगा, मैं वो यंग वाला कर लेता हूँ और वो जो दूसरा रोल है वो आप मनोज भैया से या किसी से करवा लीजिए। तो बोले नहीं आप कर लेंगे। मैं बोला अरे मुझे भरोसा नहीं। बोले आपको भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है। और उन्होंने भरोसा दिखाया और मुझसे करवाया, और वो फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आई, और उसी फिल्म की देन थी कि भोजपुरी फिल्म में आम्रपाली जी भी आई, क्योंकि एक जो लोग नहीं देखे रहते हैं भोजपुरी फिल्म तो उनके मन में दूर से सुनी सुनाई बातें होती है कि यहाँ फिल्में अच्छी नहीं बनती है, तो वैसा इन्होंने भी सुन रखा था। तो एक दिन इनके घर में चल रही थी फिल्म परिवार, इन्होंने देखा और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अगर इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं तो मैं जाऊंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आई थिंक मैंने आपकी जितनी फिल्में देखी है, आपको जितना लुक लेते हुए देखा है, जितने कैरेक्टर्स अलग अलग प्ले करते हुए देखा है दिनेश जी, आपका परिवार में जो बड़े भाई वाला रोल था वो आज तक का सबसे बेस्ट रोल है। सबसे बिल्कुल बेस्ट मतलब आप इतने खूबसूरत भी लगे हैं और वो इतना हार्ट टचिंग रोल था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है वो रोल। तो ये मेरा जो सफ़ेद दाढ़ी रखने का राज है वो क्या है, वो वही है, क्योंकि मैं आपको कई बार मैंने सुना कि आपको वो जो बड़ा भाई वाला मैंने रोल किया था वो आपको ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया कि छोड़ो इसको कलर वलर नहीं करता हूँ जब यही आपको पसंद है तो। तो असलम सर ने वो फिल्म किया था मेरे साथ, और भी बहुत सारी फिल्में की थी पर वो यादगार फिल्म बनी, और अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म जो हम लोगों ने उनके साथ किया था दुल्हा हिंदुस्तानी, उसका ट्रेलर आया है आप देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी थी और हम लोगों को भी करके बहुत मज़ा आया था। फिल्म जब आएगी तब तो आपको, पर ये ट्रेलर देख के ही आप समझ जाएंगे कि मतलब है दम है। और असलम सर के नहीं रहने पर ये फिल्म को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है उन्हीं के बेटे बंटी ने, इश्तियाक शेख बंटी। कौन? इश्तियाक शेख बंटी भाई, और और उन्हीं को हम अभी जोड़ने वाले हैं कुछ उनको समय में। जोड़ने भी वाले हैं, और बंटी जी के साथ में मैंने मुझे लगता है कि 200 फिल्में की है जिसमें वो सहायक निर्देशक के रूप में रहे, अब तो हम लोग उनके निर्देशन में भी काम कर रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। और अपने पिताजी की तरह मैं उनके पिताजी को बोलता भी था कि मतलब ऐसा बेटा है आपके पास कि मतलब ऐसा बेटा भगवान सबको दे, इतना अच्छा
बंटी जी का स्वभाव और उनका जो काम करने का लगन तरीका जो है बहुत अच्छा है। तो बंटी भाई को भी जोड़ेंगे, अभी वो भी बिजी हैं कहीं फिल्म में ही शूटिंग में। नहीं वो ट्रैफिक में बिजी, ट्रैफिक में है तो ठीक है। और आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिए ट्रेलर देख के, और उसके बाद जब जुड़ेंगे आप लोग तो आपसे हम बातें करेंगे, तो आप लोग भी बता पाएंगे कि हाँ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और एक बात है इस फिल्म में कि दो दो दुल्हन है, दुल्हा हिंदुस्तानी की दो दो दुल्हन है, एक तो ये साथ में ही देखिए बैठी हैं और दूसरी जो है उनको अभी हम लोग जोड़ेंगे मधु जी को। वो दुल्हन फिलहाल किसी और सेट पे किसी और दूल्हे के साथ रोमांस कर रही है। हाँ वो कहीं और शूटिंग पे हैं, तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे। मोनू भाई, स्नेहा और अभी जय श्री राम 8055 जय श्री राम, ये कैसा प्रोफाइल नाम हुआ 8055। अभिषेक, अच्छा 8055 बॉस के लिए होगा, BOS। यस रॉयल, दिमाग लगाते हैं आप लोग। प्रिंस यादव, नीरज आर्यन, अभी तिवारी पूछ रहे हैं कब आएंगे। अभी तिवारी, हाँ अभी तिवारी पूछ रहे हैं कि आजमगढ़ कभी आएंगे। तो अभी तो मैं आया था आजमगढ़ इस शूटिंग के पहले। अरे अभी अभी तो आए थे, अभी भाई अभी तो आए थे क्या, अभी अभी भूल गए भाई। तो अभी आए थे और फिर ये शूटिंग कंप्लीट करके फिर आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। और बाकी आप लोग का जो काम धाम है वो भेजते रहिए, मैं ही हूँ लखनऊ में ही, काम तो सब आप लोग का करा ही रहा हूँ। और हमारे किंग यूपी राम राम जी, और उसके बाद मोनू कुमार ने लिखा है आई लव यू भाई, आई लव यू टू। वाह, ये मतलब ज्यादा नहीं होता है लव यू भाई, लव यू भाई, इधर हीरोइन बैठी है लव यू भाई। नहीं वो अगर उन्होंने लव यू भाई बोला मतलब उनकी भावना समझिए, वो आप ही को बोल रहे हैं। रिंकू यदुवंशी, हेलो हेलो, इट्स शिवम, यूपी 52। वाह यूपी 52 मतलब समझती हैं, सौरभ रॉयल यूपी 52, ये किसी न किसी जिला का होगा, जैसे बनारस का है यूपी 65, यूपी गाजीपुर का है 63, गोरखपुर का 53 है ना, तो आजमगढ़ का है क्या 52, पता नहीं मुझे। हाँ मतलब कहीं का तो होगा। यदुवंशी पी अमरेश हाय, अजय कुमार हेलो हेलो हेलो, सागर भाई हाय, पंकज जी नमस्कार गाजीपुर की धरती से पंकज भाई, वाह नमस्ते। नीतिका भी आ चुकी है, हेलो नीतिका। अच्छा अब ये एक और है जिनका नाम लेने में दिनेश जी को बहुत दिक्कत होती है। दिनेश जी दिक्कत नहीं होती है, मैं उनको ये कंफ्यूज रहता हूँ कि उनका नाम निकिता है कि नीतिका है। नीतिका, तो और आप हमेशा उसको निकिता बुलाते हो जब समझाती है, हाय निकिता, अरे नीतिका। महेंद्र हाय महेंद्र जी, हेलो हाय राजा सिंह जी, राजा सिंह जी, शेफ राहुल, कोई शेफ भी है हमारे बीच में, जय हो। रोमियो, अरे रोमियो तो बहुत है, नहीं रवित्री रोमियो, नीतिका नीतिका हंस रही राजू के 920 तोष, इट्स अजय यादव, राजेश गुप्ता भाई ऑफिशियल, संस्कारी कुछ था भाग्य नाम, क्रिय संस्क्रिय था संस्कारी, संस्कारी समथिंग, रनिंग 1 2 3 बिग बॉस लैग, विनोद, प्रशांत भाई, गणेश प्रधान, हेलो हेलो प्रधान जी, हेलो सर्वजीत, कमल जी भी हैं, स्मार्ट अनमोल, अंकिता राजपूत, ये लाइट से ना मेरी आंख दर्द हो, हाँ तो इसीलिए तो मैंने चश्मा लगा लिया कि ये आंख सीधे वो लाइट जो है आंख पे पड़ रही है। थोड़ा सा कम कर सकते क्या, उधर नीचे रिमोट है आप ही के पास है। अच्छा ये सब कहाँ से लाती हैं आप? सुनिए आम्रपाली फैन रोशनी, अरे आ गए तुम लोग, और कम थोड़ा सा कम कर दीजिए, और कम, हाँ ये सही है, और कम, अच्छा है बस और बस। कम नहीं, हाँ। ये ठीक है ना, थोड़ा राहत है आंखों को, भालो अच्छे बापरे, लेकिन आज आपको तकलीफ पता चली,
जो लोग स्वाति यादव बनाते हैं, दिन भर जो लोग रील्स बनाते हैं उनको आंख में कितना दर्द होता होगा। नहीं हम लोग तो बनाते हैं, पर ये लाइट आपने लगाया, हम तो लगाते नहीं, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि इस कमरे में लाइट बहुत कम है। ओके और ऑफिशियल ठाकुर स्टार्टेड फॉलोइंग यू। वाह डॉक्टर चंदन मनोज मोनू जायसवाल मोनू जायसवाल मनोज ने अंकित सिंह राजपूत आरडीएक्स आरडीएक्स यस राम यादव गोरखपुर आइए। अरे गोरखपुर अभी आम्रपाली जी 1 तारीख को जा रही हैं आप जी? 1 तारीख से 1 तारीख से आम्रपाली जी आ रही हैं गोरखपुर शूटिंग करने। मेरा लाइट मत कर दो। और फिर मैं भी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। यदु 1043 आई लाइक यू बेबी, आई लाइक यू टू बेबी। आयुष आई लव यू, लव यू टू भाई। खुश खुश लांसर, खुश लांसर हाय, खुश हलांसर हाय भैया हाय। आई डिडंट अंडरस्टैंड। कंचन जी नमस्ते। कंचन जी कैसी हैं आप? शूटिंग तो लखनऊ में ही चल रही है पर इतनी दूरी पे है कि मैं आपको बुला नहीं पा रहा हूँ। जिस दिन शहर में शूटिंग होगी मैं कंचन जी आपको बुलाऊंगा। शिवु फैन आम्रपाली इज आल्सो हियर, हेलो हाय। शिवम रहीम स्मार्ट बॉय सर बिहार सिवान आइए। वाह ठीक है रहीम भाई आएंगे जल्दी, सिवान आएंगे। अरे सिवान की ही वो आर्टिस्ट हैं जो हम लोग के साथ काम कर रही हैं अभी, गिरी जी। हाँ क्या नाम है उनका? वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आज उनके साथ में हम लोग सीन किए तो सिवान की बात हो रही थी। सिवान आते हैं भाई जल्दी। सिवान में मेरे एक दोस्त भी हैं जिनका नाम है मोहम्मद अजीम अंसारी, जो मेरे साथ पढ़ते थे, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई किया था। अभी मैं चुनाव प्रचार में गया था तो मेरा भाई मिल गया था मुझे वहाँ सिवान में, तो आऊँगा अजीम के घर पे आऊँगा तब मिलूँगा आप लोगों को। आशीष कुमार हाय हेलो हेलो, जोड़ी नंबर वन बीइंग सतीश, थैंक यू। कृष्ण म्यूजिक ब्रिजेश यादव भैया भी जुड़ गए गाजीपुर से। वाह यादव लिखा है उन्होंने, यादव बहुत सारा हम लोग लिखते हैं ना, यादव और उसके बाद अहीर, तो अलग अलग होते हैं ना? नहीं नहीं सब एक ही हैं, लिखते हैं सब बहुत सारा टाइटल। पूरे भारत में हम लोग अलग अलग टाइटल, राव भी लिखते हैं। कहाँ पे राव लिखते हैं ना, साउथ में। अच्छा और वो जो मैंने सुना है जो जाट लोग होते हैं हरियाणा में, जट यमला पगला दीवाना पगला दीवाना तो आप हो, वो पता है हमको। जट यमला तो वो कि नहीं बोले वही 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 अर्जुन यादव अली अफरीदी हाय 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 गाजीपुर से है भाई अभी शर्मा गाजीपुर से। एक और अभी आए, अभी हमारे अभी भाई देखे जुड़े हैं। आई एम सूरज कुमार बंटी और नीरज यदुवंशी, विनीत गुप्ता नमस्कार, पिंकेश, नेहा झा हेलो हाय, हेलो नेहा जी, आदर्श कुमार जी लव यू आम्रपाली दुबे, किसी ने तो लिखा था थैंक यू सो मच आई लव यू टू। खुशी कश्यप यादव जी दो बार यादव जी लोगों का अकाउंट नहीं, यादव जी और लिखे हैं जय माधव जी जय माधव, जय यादव, जय माधव, दादा किशन की जय 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 जय। अर्जुन चौधरी विवेक भाई आनंद, एक बार मेरा भी नेम लीजिए, अजय जी हेलो अजय, विकास हाय विकास, नहीं विकास नहीं उन्होंने लिखा है विकाश, रंजन सिंह रंजन सिंह जी हेलो सर कैसे हैं आप, एक शरीफ लड़का। नवाब अजीत भाई कॉल आ रहा है, आप प्लीज आंसर कर सकते? हाँ हाँ हेलो हाय, हाँ भेजिए तुषार। संतोष भाई मिश्रा जी आ रहे हैं, तो थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए ना अभी से, सब काम दिनेश जी से करा रही हूँ और मैं बैठ गई हूँ कोना पकड़ के, सारा एक्स्ट्रा काम दिनेश जी कर रहे हैं उठ उठ के। एक्चुअली मैंने सोचा था लाइव है तो मैंने टी शर्ट अच्छी पहनी
और नीचे मैंने नाइट सूट का पैंट पहना हुआ इसलिए मैं उठ नहीं रही हूँ, पर दिनेश जी ने ऐसा एंगल लगा दिया। विनोद सिंह, इट्स राहुल, विनोद यदुवंशी, अजय कुमार केला। अजय कुमार क्या केला? इसमें हंसने की क्या बात है? राहुल केला हो सकता है तो अजय कुमार केला क्यों नहीं हो सकता है? एक्चुअली हम लोग मुंबई में जब स्कूल में जाते थे तो कोई भी, जैसे आपके स्कूल में कोई भी ऐसे कुछ स्टूपिड हरकत, सॉरी मैंने वही स्टूपिड हरकत कर दी, सॉरी, कोई स्टूपिड हरकत करता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्या पागल है क्या, येड़ा है क्या, ऐसे टाइप का। तो हम लोग जब स्कूल में जाते थे उस टाइम पे ये वर्ड बहुत फेमस होता, अबे केले पागल है क्या, ऐसा। ओके उनके नाम क्या? सिमरन, सिमरन केला था तो मुझे हंसी आ गई। उदय तिवारी, उदय तिवारी सब पे भारी। हाय, कैसे हैं उदय भाई, ठीक हैं? अच्छा अपने यूडी थे क्या? हाय हाय यूडी, बहुत मैं मिस कर रही हूँ पता है सीसीएल को, बीआईपीएल को। मैं हर बार लाइव में आती हूँ तो बोलती हूँ, आप लोग कभी करोगे बीआईपीएल? बीआईपीएल हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, अब तो कभी जल्दी, अब तो परमिशन भी मिल गया है करने का। मैं एक्चुअली क्रिकेट की इतनी बड़ी फैन हूँ ना। प्रणाम मामा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अभी बड़ा इधर आ जाइए, प्रणाम बोल दीजिए। लाइव लाइव चल रहा है। ये हैं संतोष मिश्रा जी, जो कि दिख नहीं रहे, जो दिखेंगे मैं घुमाता हूँ। ये हैं हमारे संतोष भाई मिश्रा, मेरे मामा, आम्रपाली जी के मामा। इन्होंने बनाया फिल्म पटना से पाकिस्तान, मुखामा, काशी अमरनाथ, बम बम बोल रहा है काशी। सारी हमारी फिल्म, और अभी एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाए हैं कि एकदम फिर से हंगामा मचाने को तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग करेंगे अभी। मामा कैमरा के सामने से फट से निकल भाग जाते, कुछ बोलते ही बोले क्या बोलो, उससे अच्छा भाग जाता हूँ। ओके तो ऑलराइट, ये थे हमारे बंटी जी, अभी फिर लिखे हैं मैम, बस दो मिनट। सच बात यह है कि वो लाइव आने से ज्यादा डर रहे, जैसे एक डायरेक्टर को आपने देखा अभी भाग के वहां को ना पकड़ते, वही हाल उनका, वैसे ही वही हाल उनका है, और अभी वो डर के वह बैठे हुए। एक बार मधु जी को ऐड करने को ट्राई करें क्या? हाँ, हिमांशु सिंह रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, कुछ हो ही नहीं रहा है। आएगा आएगा। और आप लोग ट्रेलर देख लीजिए, देख के फिर बताइए। मामा जी की मूवी बहुत अच्छी होती है, आपकी तारीफ हो रही है। मामा जी ये तो यूनिवर्सल मामा जी बन जी बाका। जय श्री राम। भैया जी कमेंट भी पढ़ ला। हाँ पढ़ तो रहे, कब से कमेंट्स ही पढ़ रहे, मैं तो कुछ बोल रही हूँ तो वो भी काट के कमेंट्स पढ़ रहे। अच्छा देखिए, बहुत सारा जय श्री राम हो रहा है ना, तो मैं इसीलिए बंटी जी को बोला, देख भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी एक बार इंशाल्लाह और ऐसे सब करके थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा आपका। नहीं आ रहा, डर रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा चांप के जय श्री राम हो रहा है। क्यों ऐसे कर रहे हो? अच्छा है ना, मतलब होना चाहिए यार। मैं किसी को ऐड क्यों नहीं कर पा रही हूँ दिनेश जी, वो सब तो ठीक है, मेरा इफेक्ट चला गया है क्या? रानी बक्सर, इफेक्ट चला भी जाएगा तो आप इतनी ही खूबसूरत दिखोगी, क्या टेंशन ले रही हो? मेरे लिए इफेक्ट लगाया था मैंने, आप तो ऐसे ही सुंदर हो। अरे भाई ऐड कैसे होगा गौरव, ये क्या है, इनवाइट टू ज्वाइन आया ना आया, बंटी बंटी इश्तियाक शेख बंटी, इनवाइट तो हम लोग कर चुके हैं, अब उनको करना पड़ेगा। तो ट्रेलर के बारे में कुछ बताइए, हमारी कमेंट्स कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। हाय उस्मान, हाय उस्मान भाई, आ रही है पर बहुत फटाफट भाग जा रही है, इसलिए नहीं, बहुत तेजी से भाग रही है। मामा कोई आपको कंस मामा भी बोल रहा है? अरे बाप रे, कंस मामा का फिल्म अच्छा होगा। लकी, अच्छा कोई लकी लिखा है कि कंस मामा का फिल्म तो सब अच्छा ही होता है। कंस मामा, शकुनी मामा। अच्छा आपको कंस मामा क्यों बोलते पता ही नहीं? बॉर्डर में जो आप वो लगड़ा के रोल किए थे, इनको
घेरे थे और फिर मैं आपको पीटा था, वहीं से आपको लोग कंस मामा बोलना चालू कर दिए। बॉर्डर भी बनाया था संतोष मिश्रा जी ने, यही डायरेक्टर और राइटर थे, और वो भी फिल्म आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। ऑल राइट, तो अभी और संतोष जी का जो सबसे बड़ी पहचान है वो है निरहुआ रिक्शा वाला। मतलब निरहुआ रिक्शा वाला आपने लिखा और फिर निरहुआ रिक्शा वाला ही बन गया। अब मैं कोई फिल्म, अभी कोई फिल्म कर रहा था तो वो अचानक से लाके रिक्शा दे दिया। हाँ भैया ये, तो मैं बोला क्यों, इसमें भी रिक्शा वाला हूँ क्या? बोला है नहीं पर लकी है, थोड़ा चला दीजिए। हम बोला अच्छा ठीक है लाओ। और दूसरा आप किसी भी शो में जाओ आपकी एंट्री रिक्शा से होती है। रिक्शा से, चाहे मैं बिग बॉस में जाऊँ, चाहे मैं कपिल शर्मा के शो में जाऊँ, तो वो लोग पहले से रिक्शा रेडी रहते हैं। आप कोई भी एड फिल्म करते हैं तो आपकी एंट्री रिक्शा पे होती है, उसमें ज्यादातर रिक्शा यूज होती है। आई थिंक वर्ल्ड वाइड रिक्शा वाला बन चुके हैं। बन चुका हूँ, अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं जब जाता हूँ अभी कहीं भी यूपी में, बिहार में, झारखंड में, तो प्राउडली वो बोलते भी हैं हमारे जो रिक्शा वाले हैं कि तू रिक्शा वाला, हम रिक्शा वाला मुझे एकदम भैया आप भी रिक्शा वाला, हम रिक्शा वाला। यूनियन ने सम्मान भी किया था ना आपका। हाँ, तो पूरा रिक्शा यूनियन सम्मान भी करती है और वो लोग बहुत प्यार भी करते हैं और अपनापन तभी तो अच्छा मतलब लगता है कि हाँ। से मेरे तो पाकिस्तानी लोग फिर फैन हो गए। नहीं, पाकिस्तान में तो जब से पटना से पाकिस्तान किए हैं वो लोग अभी बीच में हम लोग ना कोई प्रमोशन में गए थे, शायद उसी फिल्म के, तो बॉर्डर पे हम लोग देखने गए कि वहाँ पे कैसे परेड होता है। अच्छा, तो सेंड करूं? वहाँ पे गए जो लाइन जो थी, तो उस पार से भी सब बोले यही है। मैं इनवाइट करती हूँ, पता नहीं मुझे वो रिक्वेस्ट नहीं आता करने। Invite. रिक्वेस्ट वाला खुल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? हाँ, तो इनवाइट तो कर रहे हैं ना उनको। तो उधर तो नमस्कार भाई। सर नमस्कार, मैडम नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं भाई आप? आते ही यही होता है डायरेक्टर लोग का प्रेशर। अरे बंटी भाई जी सर, आज फिल्म का ट्रेलर आया है और हम लोग इसीलिए लाइव आए सबसे बात करने बताने की, भाई ट्रेलर आ गया आप लोग देखिए, तो हम सोचे कि आप डायरेक्टर हैं तो आप भी थोड़ा बोलिए पब्लिक को। बिल्कुल, जितने लोग अभी हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी इंस्टा फैमिली, सबको पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। और जैसा कि आपको दिनेश जी ने आपको ऑलरेडी बताया होगा ट्रेलर के बारे में जो आज सुबह रिलीज हुआ है दुल्हा हिंदुस्तानी का, तो वो ट्रेलर तो देखिए फिल्म तो हमारी रेगुलर आ रही है, दिनेश जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है, लेकिन ये ट्रेलर थोड़ा सा स्पेशल हमारे लिए इसलिए भी था, चाहे मैं अपनी बात करूं या दिनेश जी की या अमृतपाली जी या हमारे यूनिट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मधु जी वगैरह सब लोग था, क्योंकि इस फिल्म से जो हमारी इंडस्ट्री के लिए मतलब बहुत काम किया, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अपने काम से इंडस्ट्री को बहुत निखारा, बहुत चीजें की। एक तो धनंजय मिश्रा जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर और एक मेरे पिताजी अब्बा असलम सर जो फिल्म बनाते वक्त हमारे साथ थे, लेकिन आज जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो आज हमारे साथ नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिल में, हमारी यादों में हमारे बसे हैं। तो ये स्पेशल इसलिए भी था ये ट्रेलर क्योंकि एक उम्मीद होती है ना कि आखिरी फिल्म थी, अच्छी थी और अच्छी बनी है, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने जो भी पोर्शन जो जैसे भी शूट किया लंदन में ठंडियों में जो भी जैसे भी, तो एक बहुत एक कनेक्शन था दिनेश जी का और असलम सर का, बॉन्डिंग पहले भी फिल्मों में औलाद या परिवार जो भी फिल्मों में रहा बहुत अच्छा रहा, काफी दिन के बाद वो आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज वो मोमेंट पे अगर आज वो हमारे साथ होते, हमारे साथ अब भी हैं वो, लेकिन अगर फिजिकली हमारे साथ होते तो जो है वो आज बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते, क्योंकि दिनेश जी और उनके कॉम्बिनेशन की फिल्म परिवार और औलाद के बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही थी और ये बहुत उम्मीदें थी उनके ये फिल्म से, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वो मतलब बहुत पेशेंटली वो ये फिल्म करना चाह रहे थे क्योंकि उनको ये था कि नहीं एक बहुत अच्छा सिनेमा मुझे देना है, जिसके लिए वो जाने जाते थे कि भाई ये नहीं एक फैमिली ओरिएंटेड अच्छा सिनेमा देना है जो मतलब लोगों को अच्छा लगे,
तो बस यही है कि अब धनंजय जी और अब्बा अब तो हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ है। तो आज जब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर तो मुझे दिनेश जी, ट्रेलर में अगर देखेंगे आप तो लास्ट में दिनेश जी की एक लाइन आती है कि ऊपर वाला कि नहीं, ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती है हाँ, ना, उसकी प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं किसी चलती। की प्लानिंग नहीं चलती है। तो ये बात है कि और उसने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है। तो अब उसकी प्लानिंग थी, उसकी मर्जी थी, बेहतरी सोचा उन्होंने। तो खैर ये बात है, आप पे और हम पे, सब पे लाजमी है। तो आप कम से कम जो मोमेंट है हमारे पास, हम उसको शेयर करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसको जिए, ताकि कम से कम जो लोग, मतलब धनंजय जी और अब्बा, वो जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम इस बात को वो देख के काफी खुश हो रहे होंगे कि हम उस उनकी चीजों को भी लेके शेयर कर रहे हैं, उनकी चीजों को लेके जी रहे हैं। बिल्कुल भाई, और मैं भी जब ट्रेलर देखा ना, तो मुझे वो लाइन जैसे आई तो एकदम झकझोर के रख दिया कि बहुत बहुत हाँ हाँ, कि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें पर उसकी प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग चलती किसी नहीं की है, प्लानिंग ऊपर नहीं वाले की चलती, प्लानिंग के आगे। तो बात बराबर। सही और है, बहुत प्लान। हम जब बैठ के प्लान बनाते होंगे तो वो देख के हंसते भी होंगे कि अच्छा, बहुत तुम लोग दूर का सोच वही रहे मैं हो। बोल रहा हूँ कि असलम सर के साथ वो लाइन लिखी थी, और जैसी वो लाइन आई ना, तो मेरे को अंदर से एकदम हिला दिया चीजों को कि यार, मतलब लिखते वक्त हमने भी नहीं सोचा था कि हमारी प्लानिंग इस तरीके से हुई है या जो भी है। लेकिन क्या बोलें, बिल्कुल, लेकिन लाइफ है, जिंदगी है, मतलब मधु जी का उसको आगे मैसेज भी। आ गया, उनको उनको भी ज्वाइन कर लें मधु हम। जी को भी ऐड करते हैं। एक सेकंड, जी इसी पे गए थे ना हम लोग इनवाइट। मधुइस, मधु एस, मधु इस नहीं, मधु आई एस। अच्छा सर, उसका मतलब मैं समझा नहीं, आज पूछता हूँ, आ जाने दे। आ जाने दो, पूछता हाँ हूँ। जाने दो, पूछता हूँ। हेलो, हेलो मधु जी, कैसे हैं नमस्ते। आप? हेलो हाँ, हेलो हेलो मैडम, बस हेलो बंटी जी, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ कहाँ जी, शूटिंग कर रही हैं मधु जी आप? मुंबई मुंबई। अच्छा मुंबई, वाह। हाँ, हम लोग लखनऊ में हैं, यहाँ तो धीरे लखनऊ। धीरे 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 ठंडी अरे बढ़ वाह, के एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाने वाली है। बढ़ते ही जा रही है। यहाँ तो खतरनाक गर्मी है और मड़ के मच्छर मुंबई को भी मिस कर रही हूँ है। गर्मी के लिए, स्पेशली। उस ठंडी को याद कीजिए ना, जो दूल्हा हिंदुस्तानी के वक्त थी, और ऊपर से ओहो, हम लोग ने जो लुक खतरनाक डिसाइड ठंडी किया थी। था, वो लुक में आप लोग सलवार कमीज पहन सकती हो, साड़ी पहन सकती हो, ना ऊपर से कोई कोट चाहिए ना जैकेट चाहिए, और क्योंकि मधु लुक जी का वो ऐसा गाना जो साड़ी में था, था। उस दिन तो फिर सबकी भी बैड गर्मी बजी थी। थी। मधु जी का एक फोटो है मेरे पास, जो तकियों के बीच में घुस के बैठी है वो, क्योंकि हम लोग एक सीन कर रहे थे जहाँ पे आम्रपाली जी आके बोलती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया करके, और आप लोग अंदर बाहर, घर के बाहर वो सिक्वेंस कर रहे थे। तो ठंडी तो थी, ठंडी थी, और ऊपर से बारिश होने लगी थी उस वक्त, तो मतलब बहुत जो अंदर खतरनाक। घुस रही थी कहाँ कहाँ से जगह बना के। तो हम लोग तो जो हम कैमरे के पीछे, वो तो पैकिंग वैकिंग करके रखे हुए हैं कि कहीं से ठंडी और नहीं घुसे हम भाई लोग जो रात में शूटिंग कर रहे थे बाहर, अब बाहर। हमारे पास बस एक वो ही रास्ता मैं बचा क्या, है। कौन सा हाँ, मैडम, वो कौन मुंबई सा मुंबई पॉइंट है? के अरे अंदर। तब से वो डेंजरस, उस दिन तो हालत खराब थी। हालत 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 पूरा शेड्यूल वैसी था ना, जहाँ आउटडोर आता था, क्योंकि लुक ऐसा था कि ना साड़ी के ऊपर जैकेट ले नहीं सकते हैं, वो अपना विंटर जैकेट ले नहीं सकते हैं, आम्रपाली जी का ले तो ऊपर सकते थे, वो, हमारे डायरेक्टर नहीं चाहते थे हम लें, उनको हमें वही टॉर्चर करना ये था। टॉर्चर करना चाहते थे। इंसान लंदन में रहता है तो जैकेट तो पहन ही सकता है, पर नहीं, फिर कहाँ लेकिन अभी जब बोलता था, ट्रेलर देखिए देख, मधु जी, मैं हमेशा बोलता था कि यार दे दो जैकेट, तो पहन सकती है। हमारे सामने, फिर पीछे से जाके बोलते होंगे कि नहीं अरे नहीं नहीं यार। नहीं ऐसा मैं नहीं करता कि सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसा नहीं, पूछो बंटी भाई से। मैं बोलता था कि हाँ, भाई जो तो सर आप इतनी तो अमीर जैकेट पहन ही लड़कियां रहे हैं थे। वो क्यों जैकेट नहीं पहनेंगे इस ठंडी में? फिर हाँ लंदन ये की भी पॉइंट रात सही आराम था, से जैकेट पहन लेकिन सकते थे। नहीं, वो थोड़ा फील, इंग्लिश हमारी इंग्लिश फील दिक्कत होता क्या है ना, ओवर होती? ओवरकोट पहन लो तो बोलते ना कि अपने को ही फील लगता है यार, ये पूरा इंग्लिश इंग्लिश फील हो रहा है, ओवरकोट पहन लिया हाँ, लंबा तो लंदन साड़ी में के रह के ऊपर। इंग्लिश इंग्लिश फील ही देना था, कौन सा अरे अमीर की लेकिन आदत इंडियन फील देना था। इंडियन फैमिली है ना वो, वहां लंदन में क्यों है, उसका भी तो लॉजिक है ना। हाँ, तो उसके लिए तो इंडियन कपड़े पहन ही रहे थे ना, इंडियन पे कोट पहनने हाँ लगे थे, वो तो शॉर्टकट था। मतलब लंदन में रह रहे बस हैं तो अपना इंडिया का साड़ी पहन के चलिए, वहां जान लेते। हाँ, ये बात मतलब को हम मन एक्सेप्ट कर में लेते हैं कि मधु जी और आम्रपाली जी को परेशान करना था हमको, इसलिए हम लोगों ने नहीं जैकेट दिया, ये हाँ, एक्सेप्ट आप कर चाहे लेते दिखाई ना दे, हैं। हमारे गोरे गोरे दांत दिखाई आप दे, लोग से कोई जीत हमारा कैसीआई सकता है? दिखाई हाँ दे,
अरे गोरे गोरे से याद आया मुझे, मधु जी आपने ट्रेलर देखा? हाँ जी देखा। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप तो सुपर्ब हैं। आप सबसे सुपर्ब हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और बहुत ही कमाल लग रही हैं। मजा आया ट्रेलर देख के। आम्रपाली जी आप भी बहुत सुंदर और बहुत पतली लग रही हैं। अभी भी पतली हूं मैं, वापस हो जाऊंगी। लेकिन मेरे को एक सवाल था मधु जी। हाँ जी। जो फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट गाना था, जो वो गोरी लड़की के साथ था, वो ट्रेलर में क्यों नहीं रखा इन्होंने? वो मेरे को समझ में नहीं। वो ही गोरी लड़की ना जिसके साथ आप फ्लर्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली। आप हाँ, आप और समीर जी, आप और समीर जी दोनों लगे रहे थे उसके साथ। नहीं नहीं, उनका बर्थडे था उस दिन और हम लोग बात कुछ और कर रहे थे, आप लोग गलत समझ रही थी। अच्छा, क्या था गाना था कि अरे देखा हो जिला कमरिया के लीला, देखा हो जिला कमरिया के लीला। तो वो लड़की जो उसमें कर रही थी, जो गोरी लड़की, वो बोली बताओ उसकी तरह बोल के बताओ, उसकी तरह बोलना पड़ेगा क्या? बोल के बताओ उसकी। हाँ, वो बोली माय नेम इज लीला। ओके, तो मैं बोला आप ही के लिए तो गाना बना है ये। गाना बना हमने। करेक्ट ये छोटी सी हुई थी बात। समीर जी और दिनेश जी, ये दोनों तो चलिए पीछे लगे ही पड़े थे वो लड़की के, मतलब उनका शॉट था लड़की की कमर के पास, ऐसे कमर ऐसे से जाती है, लोग का मुंडी इधर उधर जाता है, मुंडी इधर उधर होता है। हाँ, हमारे बंटे जी भी, उनके पिताजी उनके पीछे से छुप छुप के देखते थे कि अच्छा हो रहा है ना शॉट। नहीं, मैडम डायरेक्टर का तो काम है ना ब्लॉक देखना, मैं तो ब्लॉक देख रहा था, बाकी आर्टिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जा रहा था? आर्टिस्ट का आर्टिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन कमर के ऊपर था, है ना? एक तरफ से समीर भाई लगे हुए थे, एक तरफ से दिनेश भैया लगे थे। गाना होना चाहिए ना, कुछ बोल नहीं। हाँ बराबर, अब भावना, अब लोग भावनाओं को नहीं समझ रहे दिनेश जी, तो हम क्या करें बताइए? भावनाओं को समझना चाहिए, फीलिंग लाने के लिए करना पड़ता है। नहीं, पर वो गाना बहुत अच्छा है, वो ऑडियंस के लिए ट्रीट है जो थिएटर में जाके देखेंगे वो। ओके, मतलब वो इसलिए छुपा के रखा गया है, छुपा के रखा है जी, जी। कुछ थिएटर के लिए भी रखना चाहिए ना हम लोगों को। नहीं पर ठीक है, वो एक गाना थोड़ा एक बार ही धमाका करेगा। बहुत 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 अच्छे गाने तो सभी बहुत प्यारे हैं, और खासकर आप दोनों का जो रोमांटिक सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है, बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत अच्छे गाने। लेकिन सबसे अच्छा मुझे वो वाला लगता है, कुछ मत करो पतर को, गौरी बटमिया खोल दो। और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मधु जी। कौन सा? झुलुआ। अभी तो मैंने सेव कर लिया ऑडियो, कल से इस ऑडियो पे भैया 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 एक सवाल का जवाब दीजिए, क्रिकेट खेलेंगे आप? लीला पे ध्यान देंगे ज्यादा तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ। आम्रपाली जी ने पूरा फ्रस्ट्रेशन वो बॉल पे निकाला होगा। वो लीला बोल रही थी कि इट्स माय बर्थडे एंड माय नेम इज लीला। इट वाज माय बर्थडे इन द मूवी। किसका बर्थडे था? आप एक्टर हो ना, आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, बट आप लोग भूल गए वो बात। तो वो तो याद ही नहीं रहा, उस लड़की का सही में बर्थडे था उस दिन, ये याद रह गया इनको। हे भगवान, हम लोग आपका बर्थडे विश किए, आपके साथ में सेलिब्रेट किए, उसने सामने से बताया सिर्फ, हम लोग कुछ आप ही को आगे क्यों बता रही थी, आपको क्यों नहीं बताई ना? हम लोग बताई ना, कुछ भी नहीं बताया उसने, क्योंकि वो वर्डिंग में ही करा था ना कि देखा हो लीला कमरिया के, तो वो बोली ओ माय नेम इज लीला, हाउ माय नेम इज लीला, माय नेम इज लीला हो गया हमारा कैरेक्टर लीला। ये सही है। अच्छा देखिए मधु जी, हाँ जी, आपके साथ मैंने इतनी सारी फिल्में की है, मेरी पहली फिल्म, आपको अच्छे से पता है, पहली फिल्म में आप लोग साथ में थे, पहले हीरो थे जी, बिल्कुल। तो मैंने कभी आपको लाइन मारा? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लीला को मारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, अंग्रेजी की तो कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़े उसने पहने हुए थे, कहाँ कंट्रोल होगा? पिंक शॉर्ट्स उसके, पिंक शॉर्ट्स छोटे छोटे से, लंबी लंबी गोरी गोरी। लेकिन आज उसको मिस कर रहे हैं अपना, कि
उसकी डिस्कशन देखिए इतनी लंबी चौड़ी है। बहुत मिस कर रहे दिनेश जी और समीर भाई तो एकदम मतलब नहीं नहीं मैं और समीर भाई तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि भाई ये अंग्रेज लोग हमारे देश से कोहिनूर लेके चले आए, हम लोग भी मौका मिले तो यहाँ से कुछ लेके चलते हैं। समीर जी है क्या? समीर भाई को जोड़िए। तो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, इंस्टा पे एक्टिव ही नहीं है समीर जी, उनका एक भी पोस्ट नहीं कुछ। समीर भाई सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है ही नहीं, फेसबुक तो इंस्टा कुछ नहीं, इतना भी वो एक्टिव रहते ही नहीं है। अच्छा तो हम लोग को, मुझे ना बार बार मैसेज आ रहा है उसने धर्म ने कुछ आवाज कट रही है, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। धर्म जी ने कुछ कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं फिल्म से रिलेटेड, तो अगर सब लोग ओके हो तो धर्म जी को ऐड करके करिए करिए ऐड कर करिए। लेकिन लीला के बारे में कोई बात नहीं होगी, लीला के ही बात हाँ। जो वहाँ लीलाएं की है ना उसके बारे में बात होगी, वो तो लीला तो हॉट टॉपिक है, उसके बारे में तो बात होगी होगी। हे भगवान, मतलब आप लोगों ने जो वहाँ पे कांड की उस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? एस आई देसी भारत आया क्या? इनवाइट कर दिया मैंने उनको। कितने लोग आ पाते हैं एक लाइव में अभी? तीन चार पांच कितने पता नहीं, तीन तो हम हो गए हैं, तीन हो गए हम लोग मेरे ख्याल से, एक मुझे लगता है एक आ सकते हैं, आइडिया नहीं इच्छा के बारे में। अगर कोई नहीं आ पाएगा तो बंटी भाई को निकाल देंगे। नहीं मैंने निकाल उनको देखा है मैंने अपने फाइट मास्टर जो हीरा यादव जी है ना वो रोज लाइव चले जाते हैं, या तो विष्णु शंकर बेलू जी वो भी बहुत ज्यादा लाइव जाते हैं, तो वो लोग चार लोग रहते हैं। छोटी भी जुड़ गई अपनी, चार चार मुझे लगता है चार होते हैं। हाँ चार चार लोग धर्म जी आइए आपका इंतजार हो रहा है। नहीं लेकिन भले अभी हम लोग चार दिख रहे हैं पर तीन ही मोबाइल से आईडी तीन है, करेक्ट आईडी तीन है। तो चौथा मधु जी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी दिनेश जी बोलिए। हाँ कुछ बताइए अपना अनुभव बताइए, लीला के अलावा बताइए ना कुछ ट्रेलर, लीला के अलावा बताइए। लीला के अलावा अभी लीला का तो दिमाग में बैठा हुआ है ना, क्योंकि लीला के टाइम पे हमने ज्यादा एंजॉय किया है, हमने नहीं आपने। आप ऐसे बोलोगी तो सबको लगेगा कि ये तो इसका कैरेक्टर ही ढीला है। आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्ट कंफर्टेबल एक्टर वर्क विद। थैंक यू मधु जी, मुझे भी बहुत मतलब आपके साथ जब फिल्म रहती है मैं इतना कंफर्टेबल रहता हूँ, इतना क्या बताऊं मैं, मुझे लगता है कि हाँ थैंक यू सो मच, टेंशन ही नहीं रहती है। और आपका तो काम करने का जो जज्बा है, हम लोग जब ये फिल्म कर रहे थे गुलामी, हाँ, तो देखता था मैं दंग रह जाता था कि कैसे मतलब बाप रे बाप, सुबह से लेके इतना चेंज वेंज करके और गाना भी ये भी वो भी सीन भी, मतलब वाह। आप ही से सीखा है, जब पहली फिल्म मैंने की थी तो मैंने आपको देखा था इतना डेडिकेटेड, तो मैंने कहा जब आप इतने डेडिकेटेड तो मुझे भी उतना ही डेडिकेटेड रहना चाहिए। नहीं मैं तो आप लोग से सीखता हूँ सच में, आप लोग क्योंकि मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लड़कों के लिए आसान है कि एक कपड़ा चेंज कर लिया और रेडी हो गया, पांच मिनट में मेकअप हो गया, लड़कों को कुछ करना ही नहीं होता, कुछ करना ही नहीं होता। आप लोगों को हेयर करना है और अलग अलग स्टाइल करना होता है, फिर साड़ी और ये वो आप लोग मतलब हम लोगों को तो एक दो कपड़ा ऐसे चेंज करने में थक जाते हैं, आप लोग दिन भर पूरा गाने में इतना चेंज, तो वो सब तो कमाल मतलब रहता है, उसके लिए आप लोगों को लेकिन मजा भी आता है, खूबसूरत भी लगते हैं। और उसमें भी लंदन की ठंडी में, लंदन की ठंडी दिखे बहुत अच्छे दिखे, आप लोग अच्छी हो। अरे चलेगा चलना, मिले धर्म जी उनको इनवाइट किया देखते हैं। नहीं नहीं हो पाया इनवाइट, आप करो ना फिर से। तो लंदन में जब आप साड़ी साड़ी पहन के मधु जी, हाँ जी हाँ जी पीछे जब छुपते थे हम लोग साड़ी पहन के, हाँ हाँ मैं आपको सच बात बताऊंगा आज, हाँ जी मैं ना कान पकड़ा ऐसे कान पकड़ा और वहीं उठा बैठा सड़क पे,
मैं बोला ठंडी में मैं लंदन नहीं आएगा। अभी अभय जी बोल रहे थे कि चलते हम लोग फिल्म करके आते हैं लंदन, मैं बोला ना भैया इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कान पकड़ चुका हूँ, गर्मी में चलिए मैं चलूंगा, मैं ठंडी में नहीं जाऊंगा। और लेके जाना तो खेसारी भैया को लेके जाइए, वो मजबूत आदमी पूरा देह वो अभी बना है बॉडी वोडी, वो ठंडी झेल लेंगे, मैं नहीं झेल पाऊंगा। नहीं बट आप भी बहुत इजी कर लेते हैं, कभी ऐसा लगा नहीं हमको कि आपको ठंड लगती थी। आप तो पूरे लंदन के दस्तों पे भागे हैं। तो मैं तो पहन लेता था ना पूरा कपड़ा अंदर, थर्मोकोट दो दो पहनते थे, कैसे ठंडी लगेगी, अपना वेस्ट लाइन दिखता था ना, हम नहीं पहन पाते थे साड़ी आप और लोग नहीं। और मेरे को ऐसे फायदा होता था, मैं ऐसे ही दुबला पतला हूँ तो अंदर से एक दो तीन पहन लेता था और उसके बाद मस्त एकदम सीन चलता रहता था। आप लोग को लेकिन देख के ठंडी मुझे लगती थी, आपको देखता था साड़ी में, इनको देखता था मैं, तब मुझे ठंडी लगने लगती थी। फिर भी बहुत कितनी भी ठंड थी, फिल्म बनाते टाइम बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। वो ही मजा देख रही हूँ मैं, ऑडियंस जो ट्रेलर देख रही है और उनका जो रिएक्शन आ रहा है तो लगता है मेहनत सफल, मेहनत सफल हुई, ठंडी झेलना सफल हुआ हमारे लिए। जितनी मेहनत हुई वो सफल हो गई। अगर लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है। सर गुड इवनिंग। अरे 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 सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दुल्हा हिंदुस्तानी के डीओपी हमारे वासु सर, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत दिखाया है फिल्म के, बहुत खूबसूरत दिखाया है बिना जैकेट और बिना उसके, फिल्म को खूबसूरत दिखाया इन्होंने। और इनके जैसा अगर हम लोगों को डीओपी हर फिल्म में मिले तो हम लोग हर फिल्म जो है ऐसे ही दिखे। कमाल है सर, एकदम बढ़िया सर। आप बताइए, वहाँ तो आप लोग थोड़ा गर्मी में है, हम लोग ठंडी थोड़ा पड़ रही है, झेल रही है, ठंडी पीछा नहीं छोड़ रही सर, लंदन से पीछे पड़ी है ठंडी। लखनऊ जाएंगे ना? हाँ लखनऊ में ही है, लखनऊ में ही है अभी हम लोग। ओके सर, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ हाँ सर, हाँ सर, बाय। रेडी रेडी सर का बुला लीजिए। ये धर्म जी मेरे को बोल रहे ऐड करने के लिए, लेकिन मैंने तीन चार बार ट्राई किया और नहीं ऐड हो पाया। कोई बात नहीं, मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से। धर्म दुबे जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं सवाल करता हूँ, आप लोग जवाब दे दीजिए। पहला सवाल मधु जी से। हाँ जी। तो फिर अगली बार आप कब लंदन जाना चाह रही हैं? आप ही पूछ रहा हूँ। मेरा लंदन फेवरेट जगह है, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ, ठंड गर्मी सब चलता है मुझे, आई रियली लव लंदन। तो और मैंने देखा भी आप ना हाथ में एक कॉफी लेके और एंजॉय करती थी ठंडी को। हाँ मैं ये ठंड बहुत पसंद भी है, और मतलब ऐसा है कि मुझे ठंड में बर्फ में छोड़ दो, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे गर्मी बर्दाश्त। वाह, मैं भी ठंड बर्फ में भी, बर्फ में भी। वाह कमाल है। अब आम्रपाली जी आप बताइए, क्या दिसंबर में चलेंगी लंदन की जनवरी में? मैं अगर दिसंबर जनवरी में जाऊंगी तो शायद बचूंगी नहीं, जिंदा रहेंगे तो बहुत लंदन घूमेंगे बाबा। इससे नहीं जाता मुझे लंदन। चलिए कोई बात नहीं, बंटी भाई आप बताओ। नहीं तो बिल्कुल जाएंगे, ढके रहते हैं हम लोग तो पूरा पहने रहते हैं ना, कान में भी पहन लिया, ऊपर भी मंकी कैप लगा लिया, पूरा तो कवर कर लिया। शेर वाला जैकेट पहन के घूमते थे ना बंटी जी। अभी अभी भैया ठंडी से याद आया ना, मैं अभी आम्रपाली जी से मेरा एक बात चल रहा था पिक्चर को लेके, फिल्म को लेके, तो उनका बोला अरे यार ये टाइम पे तो बहुत ठंडी होगी। मैंने हाँ मैडम बहुत ठंडी होगी। बोले कुछ सब्जेक्ट ऐसा बनाओ ना कठपुतली टाइप का, कठपुतली एक फिल्म हम लोगों ने की थी जो फरवरी में की थी, तो उसमें लड़की का लुक था कि वो स्वेटर पहनती है, तो उनको ये चाहिए था कि भाई सब्जेक्ट, तो मैंने बोला कि अगर ठंडी में करना है ना तो मैडम पहले सब्जेक्ट सुनेंगी कि हाँ सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें मैं स्वेटर पहन सकती हूँ कि नहीं। पता चला डायरेक्टर रिजिड हो गया कि नहीं आप स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहन सकती हूँ, तो भाई फिर दूर रहो ठंडी से। ओह गॉड, नहीं पर अच्छा हुआ था कि मुझे स्वेटर वाला लुक मिला था उसमें। और अभी फिर पंडित जी मेरे साथ जनवरी 15 के बाद शूटिंग कर रहे हैं, वो ही ठंडी के टाइम पे आते हैं ये और आके बोलते हैं कि बिना जैकेट के शूटिंग करो, तो वो नहीं चलेगा, जैकेट वाली कहानी चाहिए अपने को। या तो मुंबई में कीजिए ना, वहाँ पे ठंडी पड़ती नहीं है।
मैं ना मुंबई गया ही था इसलिए मुझे ठंडी से बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ना जब मेरे भैया लोग आते थे प्रोग्राम करके मुंबई से, तो वो लोग बताते थे कि वहां पंखा चल रहा है ठंडी के सीजन, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं मुंबई में ही रहूंगा। और फिर मैंने धीरे धीरे प्लानिंग किया और पहुंच गया मुंबई। मधु जी को बुला रहे हैं क्या शॉर्ट में? मैं जा रही, बुला रहे हैं मुझे। ओके मधु जी, ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए। और बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट मधु जी। बोल दीजिए जिन्होंने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है कि वो लोग भी देख लें। हाँ, जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा वो देखिए और भरपूर प्यार दीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसे बनाने में और बहुत ठंड बर्दाश्त की है। बाय बाय, ठंड के लिए देख लीजिए, देख लीजिए। बाय, आपको ठंड की सौगंध। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अब तो जोड़ सकते हैं हम लोग उनको। अरे जोड़ तो पहले भी सकते थे पर वो ऐड ही नहीं हो रहे हैं। अब हो जाएंगे। ए धर्म जी, धर्म जी फिर भेज रहे हैं अभी। अब आप ऐड नहीं हुए ना तो ना हम लोग क्या ही कर लेंगे। नहीं अब हो जाएंगे क्योंकि अभी मैंने नीचे आप... लाइट सूट का पैंट करना, पानी की बोतल वहां से दे दो ना यार। धर्म जी देसी भारत ऑफिशियल से शायद आने वाले हैं ना, क्योंकि वो इनवाइटेड तो दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरे को इनवाइट खोल ही नहीं रहा, तुम ऐड कर सकते हो क्या बंटी भाई? नहीं मुझे नहीं, मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, ऐड आपको ही करना पड़ेगा शायद। यार ये रिक्वेस्ट्स टू जॉइन को मैं जब खोल रही हूँ मैं, कम से कम मेरे को लग रहा है कितनी तो सारी रिक्वेस्ट आई है, अभी ढूंढ लेंगे। सर्च भी नहीं हो पा रहा है, फिर से रिक्वेस्ट भेजिए तो धर्म जी। नहीं धर्म जी मैं कल तो एक बार भेज दिया ना, तो कैंसिल करके वापस भेज नहीं पा रहे होंगे शायद। अच्छा तो फिर से आप अगर इनवाइट कर, आप इनवाइट कर सकते हो तो बेटर है। कर तो रहा हूं, मैं तो बार-बार इनवाइट कर रही हूं। हां हां करेक्ट, अभी भैया आपने हां अभी वापस इनवाइट किया आपने, करेक्ट। हां मैं कर रहा हूं लगातार उनको जी। तो यही निवेदन करने के लिए हम लोग आज आए हैं लाइव कि भाई आप लोग, भैया प्रणाम, सबको प्रणाम भैया, कि आप लोग एक बार देखिए ट्रेलर एंड स्टे हाइड्रेटेड आल्सो। हिंदुस्तानी दूल्हा हिंदुस्तानी आपको पसंद? हम है दूल्हा हिंदुस्तानी, स्टार्टिंग में एक हम है भी है उसमें, हम ही है, हम ही। हां राइट गाइस, मुझे लगता है कि क्या लगता है, नहीं जुड़ेंगे कोई बात नहीं, आप बात कर, आप बात कर लीजिए। मुझे डायरेक्टर सर का कृष्णा, तो बंटी भाई जी सर, जी सर बहुत अच्छा लगा भाई, अगली फिल्म की, अगली फिल्म की तैयारी करिए बढ़िया से आप। ओके, बनाइए स्क्रिप्ट जी जी जी, जैन में आप आम्रपाली जी को लेके बना ही रहे हैं जी जी। इनफैक्ट मैं अभी नवंबर 15 से भी बना रहा हूँ ना आम्रपाली जी को लेके साजन। हाँ हाँ हाँ, वो तो आप मेरे होम प्रोडक्शन में ही बना रहे हैं ना। अच्छा, जी जी, आपके होम प्रोडक्शन में ही साजन, वो तो नवंबर 15 से है और एक हीरो है, आम्रपाली जी हीरोइन है। जी 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 जी, और उसकी बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। और बंटी भाई आपको तो पता ही होगा, जब मैंने अपना फिल्म बनाना शुरू किया अपने प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मैं जब भी इंग्लिश बोलता हूँ तो फंस जाता हूँ उसमें, और आम्रपाली जी करेक्ट करती हैं तो अच्छा लगता है। मैं जब भोजपुरी बोल के फंसती थी तो आप भी तो करेक्ट करते थे। मैं भी तो आपको, ऐसे ही होता है ना, एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। तो मैंने शुरुआत किया था आपके पिताजी के साथ में जी। मुझे औलाद, औलाद पहली फिल्म औलाद नहीं, पहले परिवार नहीं, मतलब हम लोगों ने परिवार के साथ हमारी मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने पहला जो है वो काम औलाद किया था होम प्रोडक्शन में आपके। हाँ नहीं नहीं, पहली फिल्म मैंने बनाया था फारूक जी के साथ, प्रेम के रोग, प्रेम के रोग। सेकंड मूवी मैंने असलम सर के साथ बनाई थी। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। और अब आपके साथ बना रहे हैं। थैंक यू,
और मैंने कहा था आपके कोई शूटिंग कर रहे थे हम लोग, परिवार ही कर रहे थे, तो आपका डेडिकेशन जब मैं देखता था सेट पे, आप मेरा डूब भी कर रहे थे हाँ परिवार में, वो तो एक यादगार मोमेंट है, भुलाया नहीं भूलेगा वो आपको, ऐसे आप शॉट देते रहते थे, मैं उनके साथ बैठ के उनको बोलता था कि मतलब ऐसा बेटा हर किसी को मिले, आपका बहुत अच्छा बच्चा है। यही है सर, आप पापा की अभी आप में हैं, अच्छा काम कीजिए, अच्छा तरक्की कीजिए जी जी, हम सब की शुभकामना आपके साथ है, हम सब आपके साथ नहीं नहीं आप लोग, हाँ आप लोग का खैर सपोर्ट और ये सब तो हमेशा रहा है, मेरे जितने भी बुरे टाइम में अगर किसी ने मुझे सपोर्ट अगर आगे आगे किया है तो वो आपने किया है, ये मैं डंके की चोट पे सब जगह बोलता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बोलते रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं मतलब मेरे जो बुरा टाइम जो मेरा चल रहा था इंडस्ट्री के, अगर सिर्फ दो या तीन लोग ने अगर सपोर्ट किया तो उसमें सबसे पहले अगर कोई आगे आ गया तो आप आए, अमरपाली जी ने सामने से कॉल किया, तो मतलब कुछ ऐसी लाइफ में चीजें हैं, मैं अपनी पहली गाड़ी चढ़ा हूँ या अपनी खुद की गाड़ी अगर चलाया हूँ तो वो गाड़ी भी कहीं ना कहीं आप ही के नाम पे आरसी बुक में अभी भी है, मैं गाड़ी गया था एक्सचेंज कराने के लिए, एटिगा लेना था मुझे, तो मैं उसके पास गया तो बोल रहा कि मतलब मेरे को गाड़ी जो है वो रिप्लेस करनी है मुझे, तो बोले कि आपकी पुरानी गाड़ी कौन थी, मतलब रिट्ज, तो बोले ओके ठीक है आरसी बुक दे दीजिए और ये फॉर्म है भर दीजिए, आरसी बुक दिया तो बोले दिनेश लाल यादव, मैंने बोला हाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो बोले दिनेश लाल यादव निरहुआ की गाड़ी आपके पास, मैंने बोला अरे क्यों नहीं हो सकती है भाई, मैंने बोला क्यों नहीं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन किया, मैं बोला भाई ये गाड़ी है ना औलाद है समझ लो, औलाद के नाम पे गिफ्ट मिली थी हमको और ये हमारी पहली गाड़ी थी, तो खैर वो सेंटीमेंट में हो तो वो गाड़ी हमको निकालना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई 10-11 साल हो गया उसको, तो मतलब गाड़ी का मतलब बोलने का पॉइंट ये था कि मैंने आपको हमेशा वो टाइम पे मेरे सपोर्ट में पाया है जब मुझे उसकी जरूरत थी, है ना, चाहे वो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, तो मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे एक नहीं और मतलब ठीक भी नहीं है अभी मैं लाइव में वो सब बातें करूं, लेकिन इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको मैंने हमेशा जब भी, अब मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने मतलब अब्बा का भी यही था कि कभी भी हम लोग को अगर कुछ अगर बोले ना कभी ऊपर नीचे ऊंच नीच या कुछ भी तकलीफें या कुछ भी अगर ऐसी चीजें होती है तो खाली मेरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं नाम गिनाना चाहिए, लेकिन अनगिनत इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं सर जिसमें आपने हेल्प की है, और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक हफ्ता 10 दिन पहले एक मैसेज भेजा था और उसके लिए मैंने सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहा था कि सर थैंक यू सो मच, ऊपर वाला आपको ये ताकत ये हिम्मत ये जज्बा आपका हमेशा कायम रहे कि आप निस्वार्थ होके जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं वो हमेशा करते हुए आए, और इसके लिए आपको ऊपर वाला बहुत तरक्की देगा, ये हमारी दुआएं भी हैं आपके साथ, क्योंकि आपको मतलब बोलो ना कि अगर वो हम एक बहुत बड़ा नाम है हमारे लिए, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लिए वो इतना जल्दी इतना इजीली एक्सेसिबल है कि मतलब अगर हमारे लोग जिनके घर में परिवार में तकलीफ हो रही है खाली आपके कान तक पहुंचने की देर होती है, तो आपको वो शोर शराबा पसंद नहीं है कि मैं उनका फोटो निकलवा लूं या मैं फेसबुक पे अपलोड कर लूं या मैं मैसेज डलवा लूं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं पड़ती है सर, आपने जो लॉकडाउन में जो काम किया वो मैं जानता हूं, मैं आपके करीब ही रह चुका हूं, वो चीजों को मैं जानता हूं महसूस करता हूं, इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं डंके की चोट पे कि सर आप जैसी हिम्मत आप जैसा जज्बा सबको भगवान दे सबको अल्लाह दे, है ना, ताकि वो कायम रहे, क्योंकि आदमी अमीर बनने के बाद या पैसे वाला बनने के बाद उसको बहुत आसान होता है उसकी जिंदगी निकालना, ठीक है, तो उसकी जिंदगी के साथ साथ अगर वो दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करे तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है सर, और ये आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड है, आपके तालीम में मिला है, आपके संस्कार में मिला है, जो आप इसको मेंटेन कर रहे हैं और आप खुद तो मेंटेन करते हैं, प्लस अगर मैंने देखा है जैसे आपका बहुत बड़ा परिवार है सर, ठीक है, तो परिवार को लेकर अगर चलना है तो वो कोई आपसे सीखना चाहिए सर, क्योंकि ये बात सर का भी प्लस पॉइंट था, अब्बा का भी, कि वो फैमिली को लेकर चलना जानते थे, आप भी फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं, मतलब अगर अगर बोलते ना कि कहावत है अपनी इंडस्ट्री में, अगर एक आदमी सक्सेसफुल है तो पूरी खानदान को सक्सेसफुल कर सकता है, तो वो आपने सिद्ध करके छोड़ा कि हर लोगों को आपने खड़ा किया, सब बातें पता है सर, छोटी से लेके बड़ी बातें, तो बहुत बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स आपके लिए, मैं बताती हूँ ज्यादा अलग ही चला गया भाई पूरा मैटर, ज्यादा तारीफ मत करो, सुनो हर सेट पे इनके परिवार का कोई ना कोई एक आदमी तो पक्का रहता है जिनको इन्होंने काम पे लगाया, मुझे लगता है कि कहाँ क्या शूटिंग चल रही है क्या स्टोरी चल रही है वो जानकारी लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है ना दिनेश जी। अरे बाप रे, परवेश जी से मेरी बीच में मजाक चल रहा था, ठीक है, उन्होंने बोला कि परवेश जी ने कि भाई अभी मैं जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का स्टूडियो डाल रहा हूँ ऐसा, मैं बोला सर कुछ तो छोड़ो सर,
एडिटर में देखे तो एक आदमी है ना, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे म्यूजिक में, अभी म्यूजिक आरपी, म्यूजिक आरपी आप हाँ म्यूजिक भी कर रहे, तो उनको है अच्छा नॉलेज है प्रवेश को ना, म्यूजिक का बहुत अच्छा नॉलेज। जी जी मैं वही बोल रहा हूँ सर कि वो जो पैशन और सब चीजों के साथ परिवार को मेंटेन करना है ना सर, वो सीखना चाहिए। पैशन जज्बा काम करने का ये सब अलग है सर, लेकिन जो अगर ह्यूमैनिटी अगर उसके अंदर जिंदा है ना सर, तो सब कुछ है, और वो बहुत जरूरी होता है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा है। बस ऊपर वाला आपको ऐसी हिम्मत और ताकत देते रहे ताकि आप कभी भी इस मामले में जैसा चलते जा रहे हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ जी, कोई भी इंसान अगर सच में दिल से अगर इमोशनल नहीं है और वो अगर लोगों के दुख दर्द को फील नहीं करता है, वो पर्दे पे वो उतार ही नहीं सकता है, वो उतारेगा भी तो नकली लगेगा, नकली लगेगा, लगेगा कि ये कुछ एक्टिंग का एक्टिंग कर रहा है। पर आप अगर किसी के दुख दर्द को फील कर सकते हो तो फिर आपको अभिनय करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सीन आपको दे दिया जाए, वो एकदम वो दर्द पर्दे पे दिखेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। दर्द फिलहाल दिख रहा है, आप बार बार जो मेरा चेहरा काट दे रहे ना अपना मुंडी यहाँ पे, ये ठीक है? हाँ ठीक है। फ्रेम में जगह माना ना आम्रपाली जी से सीखे कोई। सही बात है। हमारी फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, उनको भी हमारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ, मैं जितने लाइव जितने लोग होंगे वो यही दुआ करेंगे कि भाई आपको ऐसी हिम्मत ताकत हमेशा रहे। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं सबको भी ये बात बोलता हूँ कि आप अपने आसपास जो है जितने भगवान ने आपको काबिल बनाया है या जितना भी आपको दिया है, आप अपने आसपास जितने भी जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं तो करते रहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है ना कि वो आपको बुरे से बुरे समय में भी आपको निकाल के बाहर लेके आ जाएगी। आप अगर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो वो कभी मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। वही वही जाने वाला सर अपने साथ, और बाकी कुछ नहीं जाने वाला, वही है, वही जाने वाला। एक्सपीरियंस किया है पर्सनल लेवल पे, मैं बोल रही हूँ, हम लोग जिस लेवल के कोविड को हम तीनों चारों लोग ने हराया है, मैं, मेरे मॉम डैड, दिनेश जी, उस टाइम पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पीक में था कोविड, और सबसे ज्यादा तबाही सेकेंड वेव में कोविड मचा रहा था उस समय पे हम हुआ था, और भगवान ने हमें वहां से निकाला, बचा के हॉस्पिटल से घर लेकर आए। आई थिंक ये सब चीज ऐसे मिराकुलस चीज तभी होती है आपके साथ जब आपके पास लोगों की दुआएं हो। सही दुआएं होती है, क्योंकि आदमी पैसा कमा ले, कुछ भी कमा ले, दुआ जब तक नहीं कमाता वो किसी चीज को एंजॉय ही नहीं कर सकता लाइफ में, उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, दुआएं ही काम आती है। और मैंने भी दिनेश जी से मिलने के बाद ही ये चीज सीखी, मैं लिटरली कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी अर्न करती हूँ उसमें से मैं जितना सेविंग्स कर सकूं और बाकी लोगों की मदद कर सकूं वो करूं, ताकि किसी को भी बेसिक पता है मैडम, वो ये मदद करने से कहीं ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि वो बंद मुट्ठी करते हैं, ये जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है, वो सब में क्वालिटी नहीं हो पाती है, जो बंद मुट्ठी वाली जो क्वालिटी होती है ना, कि मुझे मेरे टेक्नीशियन भाई को हेल्प हुई है, ये मुझे मतलब दिनेश जी से नहीं पता चल रहा, मैं उनके साथ उठ बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा, वो मुझे अगला बता रहा है तो मुझे मालूम पड़ा, अच्छा दिनेश जी ने करवाया, ओके ओके ओके, तो दिल में खुशी होती है कि चलो ठीक है अच्छी बात है। तो मतलब इतना बंद मुट्ठी काम होता है, इतना बंद मुट्ठी काम होता है। पहली बात, कभी खुद अगर करना भी, सर लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को दिनेश जी जब हेल्प करते थे तो कभी हमको कोई कॉल करता था कि भाई प्रॉब्लम है, तो मैं ठीक है मैं एसोसिएशन में बात करता हूँ, इफ्टेडा वगैरह, क्योंकि डायरेक्टर एसोसिएशन में मैं भी कनेक्टेड था, तो जब नेक्स्ट डे या दो दिन बाद जब कॉल जाता था कि हाँ ठीक है मैं आपका अपडेट दे दिया हूँ, कुछ हो जाएगा, नहीं हमारे पास आ गया, कहाँ से आया, दिनेश जी के थ्रू से आ गया, है ना, उदय जी ने और उसने ट्रांसफर किया दिनेश जी के थ्रू से, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब दिनेश जी से तो अभी मैं आधे घंटे एक घंटे पहले बात किया था, तो ये जो क्वालिटी है ना उसमें आपको एक हाईलाइट पता नहीं होगा, आम्रपाली जी बोल रही है अरे पगले रुलाएगा क्या, इनके भी अकाउंट में जितना था ना वो सब भी निकाल के दे दिया। मालूम मालूम, वो टाइम तो हम पूरा मतलब ऐसा हुआ था कि बाद में अपने खर्चे के हम लोग अपना फिर
पता चला कि अब अपने लिए मांगना चालू कर दिया। एक डेढ़ दो महीने का लॉकडाउन है, निकल जाएगा बराबर। अरे दिनेश जी तो होलसेल में चालू थे, मालूम है, जो फोन करता था ना, हाँ भैया नंबर भेज दीजिए, गूगल पे भेज दीजिए, राशन वो दुकान से ले लीजिएगा और उसका गूगल पे भेज दीजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे, धड़ल्ले से हो रहा था। अब वो किसी को क्या पता था लॉकडाउन इतना बढ़ जाएगा कि भाई सबको यही था कि चलो चलेगा, दो एक दो महीना चलेगा तो अपना निकाला जाएगा, जितने लोग अटके हुए सब तकलीफ में सबको निकाला जाएगा। बाद में बढ़ते 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 उच्चम तो हॉरिबल स्टोरी थी यार, क्या बोलना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक है भाई, आप जो है ऐसे ही अच्छी फिल्में बनाते रहिए और जी जी, और तो आप ऐसे ही हमारा अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। हाँ तो हम लोग तो अच्छी फिल्म के ही दीवाने हैं और हमेशा चाहते हैं कि अच्छी फिल्म करने को मिले, तो आप अच्छी फिल्म बनाइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनको अच्छी फिल्म जब मिलेगी, उनका प्यार बना रहेगा, तो फिर हम लोग बने रहेंगे और ऐसे उनसे ही हम है बराबर। और चलते चलते थोड़ा दो चार नाम पढ़ दीजिए आम्रपाली जी, सब भाई लोग वेट कर रहे हैं। ओके भाई होंगे आपके, हाँ मतलब मेरे भाई लोग। संजय चौधरी जी है, हेलो संजय जी। गोस्वामी निलेश हाय। शिवू फैन आम्रपाली है, कब से आप उस, हेलो सर बोल, हेलो 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 हाय। अभी शर्मा, आयुष मिश्रा, उनको फॉलो करना है, आप फॉलो कर लीजिए उनको। ओके अभिषेक वर्मा, शंकर मंडल, मिस्टर निखिल, जो स्पेलिंग नहीं आती, शंकर मंडल, शंकर मंडल 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 आता था मुझे, आता नहीं आपको इसलिए नहीं आया होगा। मंडल जो है वो शायद बंगाल में ये टाइटल है और बिहार में है। ओके Okay. और विवेक भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, थैंक यू सो मच। एक आदमी जाके अभी बोला है बहुत ही अच्छा, नहीं अंकुश राजा जी भी लिखे हैं, अंकुश राजा जी भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तक तो सब लोग राधे राधे और जय श्री राम बोल रहे थे, अब जाके बोले एक आदमी समाजवादी जिंदाबाद भी लिखा है उसको, समाजवादी जिंदाबाद, विकास यादव, अच्छी बात है, ठीक है यार। नहीं आपको जय श्री राम दिख रहा है तो मैंने सोचा बता दूं। आइए ना सर, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। संदीप जी आ गए, मैं तो आज पहले ही बोला अपने बंटी भाई को लाइव जब हम लोग आने वाले थे, मैं बोला कि भाई मैं उधर जाके अभी जैसे बैठूंगा लाइव में तो जय श्री राम चालू हो जाएगा, आप भी आओ थोड़ा, इंशाल्लाह भी करना पड़ेगा ना आपको, तो ये बोले कि ठीक है कि नहीं भाई जी भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं क्या करूं, जय परशुराम, जय परशुराम भगवान, जय भीम। अच्छा मैं दो मिनट अपने जो लोग हैं, अपने जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको एक शख्स से और मिलाना चाहूंगा, हमारे बिफोर यू के संदीप सिंह जी मेरे साथ हैं और ट्रेलर पे कुछ बधाइयां देना चाह रहे हैं, एक मिनट में उनको भी बात कराता हूँ। मिलो आइए, मिलो आइए। संदीप भैया अभी बिफोर यू के जुड़ने वाले हैं हम लोगों से, हमारा चैनल जो है संदीप जी, संदीप जी साथ में है, वो दूल्हा हिंदुस्तानी के ट्रेलर को लेके बधाइयां भी दे रहे हैं। हाय हाय, कैसे हैं आप? हाय बहुत बढ़िया, नमस्ते। संदीप जी आप पूरा लुक चेंज कर दिए हैं। मेरा यही काफी दो साल से है। अच्छा कैसे आप लोग? दो साल से कहां मिले हम लोग, लॉकडाउन मिलने नहीं दे रहा ना सर किसी को, लॉकडाउन कहां मिलने दे रहा है। ट्रेलर देखा काफी बहुत अच्छा है, बंटी जी से बात हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा आपको। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सब अलग अलग कैरेक्टर, जबरदस्त है। मैं इनको बोलता था मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, कोई ऐसे आदमी जो लोग वो मिमिक्री करते हैं उनसे बुलवा दीजिए ना, पर ये माने ही नहीं अपने। पर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मिमिक्री कोई करता तो फिर मजा नहीं आता सर, मजा नहीं आता, वो निकल जाता। अच्छा तो ये भी बोल, यही बात बोल रहे थे बंटी भाई कि वो मिमिक्री वाले तो परफेक्ट बोलेंगे पर मजा आएगा, आप बोलो तो। मैं बोला चलो राइट। और आपको आपको याद होगा जब वो पहला हम लोग जब डमिंग स्टार्ट किए तो वो सीन आपको बहुत, मतलब पहले से शूटिंग के वक्त से आप बहुत एक्साइटेड था, नाना पाटेकर वाला सीन है ना, 100 में से 80 बेमान फिर भी मेरा देश महान, और ये वो और बोले मैं डबिंग यही करूंगा, मैंने बोला भैया ये डबिंग नहीं करिए, गला पकड़ लेगा। नहीं नहीं मैं करूंगा तो ये करूंगा, मैं भाई इसे ही शुरू करूंगा, और आपने उसे शुरू किया, पूरे जोश के साथ किया, पता चला
गला बैठ गया, दो दिन का ब्रेक लेना पड़ गया। दो दिन आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा था, किसका सबसे ज्यादा अच्छा लगा था आपको? मुझे तो अमित जी वाला लगा। अमित जी वाला ना, अभी ट्रेलर में वही ज्यादा भी है। अमित जी, मैं बहुत जल्दी एक काबिल इंसान बन के तुम्हारे बाप के सामने आऊंगा। हाँ और एक 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 बधाइयां, एक एक बधाइयां ट्रेलर के लिए और भी आ रही हैं सर, उनको भी ले लेते हैं बधाइयां। प्रणाम। अरे वाह उदय जी, हेलो हेलो। अभी देखिए उदय जी आपकी कितनी लंबी उम्र है। अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम लोग ना देश धर्म जी उनको ऐड कर रहे थे, वो ऐड नहीं हो रहे थे, तो मैं इनको बोला अरे उदय जी को ऐड कर दीजिए, अगर वो नहीं ऐड हो पा रहे तो उदय जी सवाल पूछेंगे। उदय जी को देख के लग रहा है कि वो अभी ये वाले मोड पर तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, चेक कर लो। कैसा लगा उदय जी, कैसा लगा? अच्छा, काफी अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। नहीं है मुंह में कुछ, तो आप पहले बताओ है कि नहीं है। कुछ नहीं है, आदत मेंटेन करने की आदत हो गई है, पूरा अंदर जहाँ दबा लिया मैंने। मैं सब कुछ जगह बंटी भाई को बधाई दीजिए, अभी चखना खा रहा था। बंटी भाई को बधाई दीजिए भाई। हाँ, बधाइयां फोन पे आ चुकी है पहले। आ गई जी। फोन आया आपको मैडम? ऑलमोस्ट सब जितने अपने सर्कल वाले लोग हैं सबका फोन आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया ट्रेलर को। मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था ना, तो उस पे भी कुछ मैसेजेस की बात है। UP 41 वो भी जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अभी आवाज अब क्यों रुक रही है? हेलो, आवाज आ रही? अब आई, अभी आई भाई। मुझे भी लाइन पे लीजिए, मैं आ रहा हूँ जी। क्या हो गया जी? मुझे भी ये ऐड कीजिए। हाँ मैं ऐड तो कर रहा था। उदय जी को मेरा फोन पसंद नहीं आ रहा है, वो चाह रहे हैं अपने फोन से लॉगिन करना। मेरा फॉलोअर बढ़े इसके लिए अच्छा होगा ना। ओ गॉड, बोल रहे मेरे फॉलोअर्स के लिए अच्छा होगा। नहीं मैं तो उदय भैया को बोलता हूँ कि बीच बीच में आप इस पे लाइव इंटरव्यू किया करिए। जी जी, आपको मैं इनवाइट किया हूँ, ऐड कीजिए। ठीक है भैया, अभी उदय भैया जो हैं यही मेरे सबसे मजबूत और जुझारू सिपाही हैं, जो पूरे लॉकडाउन में एकदम डटे रहे। इसलिए उदय जी आपको प्रणाम करता हूँ मैं। डरे नहीं सर, आप एक्सेप्ट करिए ना। आप जाना डरे नहीं, जहाँ सब लोग घर में बैठे थे आप घूम घूम के और सब जगह पहुंच जा रहे थे जी। तो उदय भैया को भी बहुत 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 धन्यवाद। ओके, लेकिन हम लोग को पराग पाटिल जी का कॉल आ रहा है कि शॉट रेडी है। ओके, तो अभी हम लोग इसको खत्म करेंगे, लाइव खत्म करके। ऐड हो रहे क्या उदय जी? हाँ, मैंने कुछ किया, ऐड हुए नहीं। और हम लोग को बुलाया जा रहा है शूटिंग पे, हमको जाना है अभी। और अभी नाइट में हमारी गाने की शूटिंग है। हाँ, गाने की शूटिंग है। फसल मूवी के सेट पे हम लोग एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। और आम्रपालियन पाली फैन माही, काजल राघवानी क्यूटी सोनू कुमार, अमित यादव स्टार्टेड फॉलोइंग। सोनू कुमार है, शिवा सैनी है, हाय हेलो, नीतीश है, नंदू है साजिद भाई भी है, यादव अभिमन्यु है, इट्स ऑफिशियल नीतीश, चंदन सिंह जी हैं, जया कुमारी हैं, तबरेज आलम भाई हैं, रवि आर आर बी प्रिंस दुबे हैं, एक्टर विपुल ठाकुर नमस्कार कैसे हैं, रवि मरन, आदि यादव, नीत स्टूडेंट, कैलाश भारद्वाज जी हैं, बंटी भाई अटक चुके हो आप? नहीं नहीं सर, मैं अटक नहीं हूँ, देखिए आ गया मैं। नहीं अटके नहीं हूँ, वो शांति से सुन रहे हैं। राजेश यादव जी सनई चौराहा से, राजेश यादव वो भी जुड़े हुए हैं।
अरे वाह, आपकी बहन भी आ गई, रियूडी रिया भी आई है। हाय रिया। नमस्ते रिया जी, कैसी हैं आप? पिछली बार मैं लाइव आई थी तो रिया के साथ आई थी लाइव। वाह, अब उसे मैंने बहुत चिढ़ाया था लाइव में। किशोर लाल इंटरटेनमेंट रवि। ओके गाइस, तो दिनेश जी ने तो पहले ही बता दिया कि उनको कुछ नहीं करना होता, उनको 5 मिनट लगेगा रेडी होने में, पर मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक मेकअप पोतना है, उसके बाद कॉस्ट्यूम पहनना है, ज्वेलरी पहनना है, तो मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ फटाफट, ताकि मैं शूटिंग पे टाइम पे पहुंच सकूं। और आप तब तक कंटिन्यू करिए, ये थोड़ा घुमा लीजिए ताकि मेरा पैजामा ना दिख जाए लोगों को। ओके, घुमा लिया इधर। बाय मैडम, बाय 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 बाय। तो बंटी भाई जी सर, हम लोग भी बाय अभी जाके जी शूटिंग करते हैं। पराग पाटिल सर वेट कर रहे हैं, उनके गाने की शूटिंग है जी। वो भी अगर देख रहे होंगे तो बोलेंगे बताओ बंटी भाई का ट्रेलर आ गया, तो हमारी मेरी फिल्म की शूटिंग रोक दी है। शूटिंग नहीं करने देंगे। हाँ नहीं सर, आप जाइए सर, और फिर बाकी एक बार हमारी ऑडियंस को याद दिला देंगे हम कि हमारी जो फिल्म का ट्रेलर जो है वो एक बार बिल्कुल अगर आप ट्रेलर आ चुका है देखिए, आप प्यार दीजिए, हाँ आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, के नाम से सर्च करवा दीजिए जी 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 सर। और बाकी सब लोग जो देख के आप लोग अपने कमेंट्स भी लिखिएगा तो हमको पता चलेगा कि उसमें कुछ आपको क्या अच्छा क्या बुरा लग रहा है, तो उसको हम लोग फिर और भी सुधार करेंगे उसमें। जी जी जी। बाकी बंटी भाई आपने काम बहुत अच्छा किया है, थैंक यू सो मच सर, बिना आपके अधूरे थे हम, और आपने उसको जो जान डाली है फिल्म के अंदर, मैं बोल रहा ना बहुत सरप्राइज पैकेज है, मतलब ये दुल्हा हिंदुस्तानी जो है वो बहुत सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि वो जो कीड़े वो कैरेक्टर के अंदर जो कीड़ा आता है आर्टिस्ट का अलग 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 जो उसके अंदर भूत सवार है वो इतना आसान नहीं था करना, अचानक जो भूत चढ़ा, अरे वाह रे वाह, उसमें बैकग्राउंड में डाला हुआ है थीम भूत चढ़ा, एक्टिंग का भूत चढ़ा, तो जहां जहां उसको जो किक लगता है वो तो हिलेरियस सीक्वेंस, मतलब कॉमेडी का बाप हो गया, मतलब ऐसा हो गया, मजा आएगा जी जी। ठीक है, आप सबको प्रणाम करते हैं और आप सबसे ये निवेदन भी करते हैं कि आप लोग एक बार देखिए ट्रेलर रंगीला इंटरटेन पे और यशी फिल्म पे, यशी फिल्म पे जी, तो आप लोग अपना अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे, बंटी भाई बनाते रहेंगे, आम्रपाली जी बनाती रहेंगी, मधु जी बनाती रहेंगी, और आप लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और आप लोगों ने जो आशीर्वाद प्यार दिया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं और हमेशा प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी फिल्म बना के देते रहे जी। बिल्कुल प्रणाम। इसके पहले कि पराग पाटिल सर जो हैं, हाँ, वो यहाँ आते रूम के अंदर आए लाइव से हमको ऐसे खींच के लेके जाए, उसके पहले हम बंद करते हैं। प्रणाम 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 प्रणाम।